एमपी के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने रावतपुरा सरकार के महंत रविशंकर महाराज पर निशाना साधा और कहा कि रविशंकर महाराज बाबा नहीं व्यापारी हैं, इन्होंने सरकार के दम पर जमीनों पर कब्जा किया है। नेता प्रतिपक्ष और लहार विधानसभा के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने दबोह कस्बे में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया और रावतपुरा सरकार के महंत रविशंकर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दम पर रावतपुरा सरकार का बाबा आसपास एरिया की गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। ये बाबा नहीं व्यापारी है जो प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्कूल कॉलेजों को खोलकर धंधा कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कार्यकर्ता सम्मेलन में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर उत्साह भरते हुए कहा कि पूर्व में रमाशंकर सिंह के चुनाव में भी भाग लिया था, प्रत्याशी हारने के बाद क्षेत्र में छवि धूमिल हो गई, जिसके बाद बाबा ने मुझसे कहा था कि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाबा फिर से मंदिर पर भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। ये बाबा ने जितने कृत्य किए हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रही है, गरीबों भी उजाड़ कर आश्रम को विस्तार किया है, या नहीं हरियाणा पंजाब छत्तीसगढ़ बंगाल में आश्रम बन गए, चित्रकूट बन गए, आखिर ये पैसा कहां से आया, कोई पेड़ है इसमें नोट समझ निकल दौड़ती, ये बाबा नहीं है व्यापारी है, धंधे व्यापार चलाना, 25 स्कूल कॉलेज चलाना और भी कई व्यापार चल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने रावतपुरा सरकार के खिलाफ बयान से राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के नेता एवं पूर्व विधायक प्रसाद सिंह ने कहा कि लहार विधायक द्वारा संत का अपमान करना उनकी ऊंची मानसिकता को प्रदर्शित करता है। लहार विधायक लगातार संतों पर हमला करते आ रहे हैं। वह पूर्व में भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में भी अनर्गल बयान दे चुके हैं। इस बार उन्होंने रावतपुरा सरकार के महंत रविशंकर महाराज पर आरोप लगाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।